हाय फ्रेंड्स, ये जो लहंगा आप देख रहे हैं ये पूरे मिरर वर्क का लहंगा है और इसमें जो असली वाले मिरर होते हैं उसका यूज किया गया है और कली वाली लहंगा है। तो कली वाले लहंगा को कैसे हम घर पे ही सही करेंगे वो देखेंगे। और ये सेमी स्टिच लहंगा है जिसे मुझे कमर से 4 से 5 इंच कम करना है। तो कली वाले लहंगे में आप जो चौड़ाई है कमर की उसे कैसे कम करते हैं ये देखेंगे। पहले तो इसे हम अच्छे से फर्श पे सेट कर देंगे और इसमें देखिए कैनकन भी यूज किया गया है, लाइनिंग भी है और पूरे में जो असली मिरर होते हैं ना वो लगे हुए हैं, जो मुझे सिलाई करने में बहुत ही प्रॉब्लम होगी। तो इसमें 4 से 5 कलिए हैं, तो हम जो ऊपर का कमर है उसे मुझे कम करना है, 4-5 इंच कमर मुझे कम करना है। लेंथ इसकी सही है तो कैसे हम कली वाले लहंगों को एडजस्ट करेंगे, सेमी स्टिच करेंगे घर पे। तो आज अभी जो जितने भी लहंगे आ रहे हैं इसी तरह से आ रहे हैं, एक साइड ओपन, तो आप उसको अपने कमर के अकॉर्डिंग कम करके सिलाई कर सकते हैं। तो इसकी सिलाई कैसी होगी, इसकी कटिंग कैसे होगी, ये सब मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। तो देखिए मैंने 3 इंच लगभग कम कर दिया है ऊपर से देखिए, और नीचे तक सीधा जो लंबा लाइन है वो ड्रॉ कर दिया है इस तरह से। और नीचे आते आते मैंने जो कटिंग है उसकी वो बहुत ही कम कर दिया है, ना के बराबर किया है इस तरह से। जितना आपको कमर चाहिए उससे सीधा जो मीटर है उसे नीचे तक रख लें और जो इसकी चौड़ाई है उसमें मिला दें, जैसे मैंने किया है बिल्कुल उसी तरह से आपको करना है कली वाले लहंगे में। अगर ज़्यादा कम करना है तो आप एक कली को कम कर सकते हैं। मुझे कम करना था 4 से 5 इंच ही कम करना था, तो मैंने 2.5 से 2.75 इंच ऊपर से कम किया है ये देखिए। और जो उसकी बेल्ट है उसे हम उधेड़ देंगे, उसमें मिरर जो लगे हुए हैं जिसपे मशीन नहीं चलेगी मैं उस मिरर को भी निकाल दूंगी। और इस तरह से जैसे पेटीकोट में बनाते हैं ना जब डोरी लगाने के लिए और 2-3 इंच खुला रखते हैं, उसी तरह से हमें इसमें बनाना है। और उसके बाद इसमें हमें बटन लगा देना है। तो इस तरह से पहले हम इसकी जो बेल्ट है उसे उधेड़ देंगे और जो मिरर है उसे निकाल देंगे, जो कि बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए इसमें से मिरर को निकालना। तो मैं इसे कैंची की हेल्प से भी इसे निकाल रही हूँ देखिए इस तरह से। और देखिए इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे 3 से 4 इंच और उस पर भी हम एक सिलाई लगा लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है ये फ्रेंड्स, जो सेमी स्टिच लहंगा होते हैं उसे घर में स्टिच करना। तो आप आपके पास अगर सेमी स्टिच लहंगा है तो आप इसे बहुत ही आसान तरीके से घर में स्टिच कर सकते हैं। तो दोनों तरफ से ही मैंने इसी तरह से 1 इंच तक इसे अंदर की ओर फोल्ड कर दिया है, जैसे हम पेटीकोट में फोल्ड करते हैं बिल्कुल उसी तरह से। और उसके बाद मैंने इसमें बेल्ट को फिट कर दिया है। जैसे हमारा बेल्ट लगा हुआ था बिल्कुल उसी तरह से हम इसमें फिट कर देंगे। और इसके बाद इसकी जो सिलाई है मेन सिलाई वो लगा देंगे, 2 इंच तक या 2.5 इंच तक हम ऊपर खुला छोड़ देंगे जिसमें हम डोरी डालेंगे। और उसके बाद हम नीचे में एक बटन डाल देंगे। तो मैं अभी पहले इसमें से जो मिरर है जो मेरे सिलाई सुई के पास आएगी मैं उसे पहले निकाल रही हूँ। और उसके बाद हम इसमें सिलाई लगाते जाएंगे। देखिए इस तरह से हमें नीचे तक सिलाई लगा लेना है। इसमें प्रॉब्लम मिरर की वजह से हो रही है मुझे जो सिलाई लगाने में, और इसमें कैनकेन भी दिया हुआ है तो काफ़ी हैवी लहंगा लग रहा था मुझे ये। जैसे पेटीकोट बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें बनाना है इसे। और जितना भी आपको कमर चाहिए उसको आप उतना इंच, आप जो हमारा कमर है उसके हिसाब से हम ऊपर जो है कली को कम कर देंगे। और इस तरह से आप पूरे नीचे तक सिलाई लगा लेंगे। इसमें केनकेन भी डले हुए थे फ्रेंड्स, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी सिलाई इसमें लगाने में। और पूरा नीचे में तो काफ़ी ज़्यादा ही हैवी वर्क किया हुआ था मिरर से,
तो इस तरह से हम नीचे तक पकड़ के सिलाई लगा देंगे इसमें। ये देखिए हमारा पूरा सिलाई लग चुका है नीचे तक, और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक मुझे लग रहा है उसे मैं कट कर दूंगी। और यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा फैब्रिक लग रहा था, आज इसे मैं कट करके हटा दूंगी। इस तरह से हमारा पूरा लहंगा कंप्लीट हो चुका है, और ये मैंने बटन के लिए बनाया है जिसमें मैं एक बटन डालूंगी। और नीचे तक देखिए हमारा सिलाई ये इस तरह से है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।